For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और मेरे ग्रेजुएशन के बाद मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस साइकियाट्री में है. आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सर गंगाराम हॉस्पिटल और अभी मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम कर रही हूँ. इसके अलावा मैं दो प्राइवेट सेटअप्स में भी अपनी कंसल्टेशन दे रही हूँ, जिसमें एक बिलिंग बेस है और दूसरा DHA में मेरा अपना क्लिनिक है. आज हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या होता है. डिप्रेशन बेसिकली एक बीमारी है. जिस तरह बाकी जिस्मानी बीमारियां होती हैं, इस तरह डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है. लेकिन डिप्रेशन की अलामतें बाकी बीमारियों से थोड़ा मुख्तलिफ होती हैं. इस तरह मुख्तलिफ होती हैं कि बाकी बीमारियों में आपको फ़िज़िकल सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन डिप्रेशन की बीमारी की अलामत हमें तीन एरियाज़ में नज़र आती हैं. हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स और हमारे बिहेवियर में. फीलिंग्स में जिस तरह बात की मैंने, फीलिंग्स में इस तरह कि हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता, हमारा मूड लो रहता है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग हमारा मूड लो रहेगा, हमारे मिजाज में उदासी रहेगी, कोई काम करने को दिल नहीं करेगा. जिन चीज़ों में पहले दिलचस्पी महसूस होती थी, अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. जैसे पहले दोस्तों के साथ जाना अच्छा लगता था या मूवी देखना, हैंग आउट करना अच्छा लगता था, अब वो एक्टिविटीज़ में कोई प्लेयर नज़र नहीं आता. इसी तरह हर टाइम बंदा थका रहता है. इवन एक गिलास पानी का लाना भी एक बहुत बड़ा काम लगता है. कुछ भी करने को दिल नहीं करता, हर टाइम फटीग्ड रहना. तो ये तो कुछ उसकी मेन चीज़ें हैं, मेन अलामत हैं. इसके अलावा भी कुछ अलामतें होती हैं. इसमें हमारी नींद ख़राब हो जाती है, हमारी भूख ख़राब हो जाती है, कंसंट्रेशन वो वाली नहीं रहती है, मेमोरी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, होपलेसनेस फील होना शुरू हो जाती है, नाउमीदी और अपने आप के बारे में पछतावा महसूस होना शुरू हो जाता है. और अगर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाए तो बाज़ औक़ात अपने आप को नुकसान पहुंचाने या अपने आप को ख़ुदकुशी के ख्यालात भी आना शुरू हो जाते हैं. हम में से अक्सर हमने सुना होगा कि मैं आज बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो डिप्रेशन या मैं आज बहुत सैड हूँ. तो डिप्रेशन को बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन को नॉर्मल सैडनेस से डिफ्रेंशिएट किया जाए. हम में से हर कोई कभी ना कभी सैड होता है, उदास होता है, गमज़दा होता है. खुदा ना ख्वास्ता कोई ट्रेजिडी हो जाए, एग्ज़ाम में फेल हो जाए, किसी लव्ड वंस की डेथ हो जाए, कोई भी बुरा इंसिडेंट हो जाए, ट्रैजिक इंसिडेंट हो जाए, तो उस पर सैड होना एक नॉर्मल फीलिंग है, नॉर्मल ह्यूमन फिनोमेना है. अब सैडनेस को हम डिप्रेशन से किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, एक तो इसकी ड्यूरेशन और एक इंटेंसिटी. जो डिप्रेशन की सैडनेस है, डिप्रेशन की सैडनेस एक सैडनेस की फ़ीचर है डिप्रेशन का. डिप्रेशन की सैडनेस जो है बाकी नॉर्मल सैडनेस से इस तरह डिफरेंशिएट होती है कि नॉर्मली जब हम सैड होते हैं तो अगर हमारे इंटरेस्ट की कोई एक्टिविटी हो तो हम उस पर खुश भी हो जाते हैं, थ्रू आउट हम सैड नहीं रहते. तो डिप्रेशन की सैडनेस में हमें किसी चीज़ में कोई खुशी महसूस नहीं होती, चाहे हमारी पसंद की कोई एक्टिविटी हो रही हो, हमारे दोस्त हमें बुला रहे हों, फैमिली मेम्बर्स हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारा किसी से बात करने को, किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने को दिल नहीं कर रहा होता. और डिप्रेशन की जो सैडनेस है वो लॉन्ग टर्म होती, एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स रहनी चाहिए, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, ऑलमोस्ट एवरी डे. तो डिप्रेशन की सैडनेस का डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि एक तो ये कि सवेरिटी ज़्यादा होती है, नॉर्मल मूड एलिवेटर से ये डिप्रेशन की सैडनेस ख़त्म नहीं होती, और दूसरा एटलीस्ट फॉर पास्ट 2 वीक्स रहनी चाहिए. ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 वीक्स रहनी चाहिए. अब हम बात करेंगे डिप्रेशन को हम एंग्जाइटी से किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं. डिप्रेशन की जो अलामतें हैं या डिप्रेशन जब होता है इसको, इसमें सैडनेस की फीचर है. काम में दिल नहीं लग रहा, एनर्जी नहीं है, नींद ख़राब, भूख ख़राब, होपलेसनेस फील हो रही है, हेल्पलेसनेस फील हो रही है, पछतावा हो रहा है अपनी ज़िंदगी पे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से चीज़ें भूलने लग पड़ी हैं, अपनी ज़िंदगी वर्थलेस इतनी लग रही है कि ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्याल आ रहे हैं. जो एंग्जाइटी है उसमें मेन थीम होता है डर, खौफ. तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे इंसान की डर में फीलिंग्स होती हैं, मतलब जो जब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेयरफुल होता है तो जो जो उसकी अलामतें होती हैं, जो जो उसके एक्सपीरियंस होता है, वो एंग्जाइटी की फीलिंग्स होती हैं. एंग्जाइटी में जिस्मानी अलामत ज़्यादा प्रीडोमिनेट करती हैं और हर सिस्टम में कुछ ना कुछ अलामतें आती हैं. तो एंग्जाइटी में उसका मूड जो है वो ज़्यादा एजिटेटेड, रेस्टलेस, इरिटेबल, मतलब बेचैन है, वो गुस्सा आ रहा है. फिर साथ में अगर हर
सिस्टम से अगर रिलेट करें तो हमारा जो दिमाग का CNS का सिस्टम है उसमें डिजीनेस आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है। इस तरह अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएँ तो इसमें डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो सकती है, रुक रुक के सांस या सांस का उखड़ना हो सकता है। इसी तरह अगर हम अपने CVS जो हमारा दौरान खून है, निज़ाम दौरान खून, उसमें हमारी पैल्पिटेशन फील हो सकती है, हमारी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो सकती है कि खुद को अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर अगर हम GIT सिस्टम की बात करें, हमारा जो निज़ाम इन्हज़ाम है उसमें लूज स्टूल्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग, नोज़िया, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, यानी पेशाब निकल सकता है, जैसे डर की हालत में होता है। हमारे अगर मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ट्रैमर्स हो सकते हैं, और मसल टेंशन हो सकती है, जिस समय जगह जगह दर्द हो सकती है। तो इसकी हर सिस्टम में जिस्मानी अलामत ज़्यादा प्रीडोमिनेट करती हैं, इनकी वजह से फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पर। स्लीप इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जो अलामतें आ रही हैं वो जिस्मानी अलामतें आ रही हैं, जबकि डिप्रेशन में ज़्यादा चीज़ें फीलिंग्स रिलेटेड हैं, इमोशंस रिलेटेड हैं, थॉट्स रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर पे, जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको आम जबान में OCD भी कहा जाता है। OCD में कुछ थॉट्स आना शुरू होती हैं, बल्कि ये थॉट्स भी हो सकती हैं, कुछ इम्पल्सेस, अर्जेस, इमेजेस, डिफरेंट टाइप्स हैं OCD की। तो ये जो थॉट्स होती हैं ये अनवांटेड होती हैं, इंट्रूसिव होती हैं। इंट्रूसिव मीन्स कि जिससे बंदा खुद तंग हो रहा है, अनवांटेड कि हम नहीं चाह रहे कि वो थॉट्स हमें आएँ, लेकिन हमें आती हैं इस पर। लेकिन ये हमारे थॉट्स हमारे अपने ही माइंड की होती हैं, हमारे खुद ही माइंड से जनरेट हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई और हमारे माइंड में डाल रहा है या कहीं और से थॉट्स आ रही हैं। थॉट्स हमारे अपने ही माइंड की होती हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे होते कि ये थॉट्स हमें आएँ। अनवांटेड होती हैं, इंट्रूसिव होती हैं और रिकरेंट होती हैं, बार बार ये थॉट्स आती हैं और एंजाइटी प्रोवोकिंग होती हैं। इन थॉट्स की वजह से अच्छी खासी एंजाइटी होती है, और इन थॉट्स को अगर रोकने की कोशिश की जाए तो हम रोक नहीं सकते। मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू रेजिस्ट देम होनी चाहिए, लेकिन हम इनको इंटेंशनली रोक नहीं सकते। ये थॉट्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं, कुछ ऐसी इमेजेस भी हमें नज़र आ सकती हैं, कुछ इम्पल्सेस के अचानक से दिल करता है, जो बहुत ही अजीब सा दिल करता है कि ये मेरे ये अर्ज, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है कि मैं ये कर दूं, और इसी तरह एक इम्पल्स आती है कि मेरे से कहीं ये हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। जब ये थॉट्स आती हैं तो इसके रिलेटेड कुछ चेंजेस आती हैं बिहेवियर में, जैसे कि अगर थॉट आ रही है, हमें अनवांटेड थॉट ये है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो मैं बार बार अपने हाथ धोऊंगी, क्योंकि उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो एंजाइटी इस थॉट से जनरेट हो रही है कि मेरे हाथ गंदे हैं, वो मुझे बार बार हाथ धोने पड़ेंगे। इसी तरह अगर किसी और डोमेन में कोई थॉट आ रही है तो उसको एंजाइटी को कम करने के लिए कोई ना कोई एक्ट मैं करूँगी, जिसको कंपल्शन कहा जाता है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। बेसिकली कोई थॉट्स आती हैं या इम्पल्सेस या अर्ज, जिसको कम करने के लिए कोई एक्ट किया जाता है, जिसे कंपल्शन कहते हैं। अच्छा, OCD इसको कहा तब जाता है जब हमारा फंक्शनल डिक्लाइन इसके साथ आता है, मतलब हमारी फंक्शनैलिटी में इम्पेयरमेंट शुरू कर देती हैं। जैसे अगर मुझे लग रहा है मेरे हाथ गंदे हैं तो मैं घंटों अपने हाथ धोने में गुजार रही हूँ, ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा डेली रूटीन की लाइफ इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है, मैं जो काम कर रही थी वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है। तो उस टाइम इसको फिर OCD कहा जाता है। देखा गया है, रिसर्च कहती है कि हर 10 में से एक खातून जो चाइल्ड बर्थ के अमल से गुजरती है, जो बच्चे को जन्म देने के अमल से गुजरती है, हर 10 में से एक खातून को पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। यानी ये इतना कॉमन है और इस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। बेसिकली ये डिप्रेशन की ही अलामतें होती हैं, लेकिन ये चाइल्ड बर्थ के बाद स्टार्ट होती हैं। विद इन 6 वीक्स ऑफ चाइल्ड बर्थ ये स्टार्ट हो जाती हैं, तब इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। इसको आप नॉर्मली लिंक कर सकते हैं कि जो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में छिले का टाइम कहा जाता है, तो जो छिले के टाइम में अगर डिप्रेशन की अलामतें स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। ये नॉर्मल डिप्रेशन से थोड़ा इसलिए डिफ़र करता है क्योंकि इसमें
चाइल्ड बर्थ एक खातून या एक पेरेंट की ज़िंदगी में एक बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, एक बहुत खुशगवार अमल होता है, लेकिन वो माँ इस इवेंट को इंजॉय नहीं कर सकती ड्यू टू हर डिप्रेशन। और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स उसको इस पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि तुम औरों को देखो जिनके औलाद नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने औलाद दी है, तुम फिर भी खुश नहीं हो, अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हो, जबकि वो इसके अपने कंट्रोल में नहीं होता। फिर वो बच्चे पर गुस्सा कर सकती है, अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती उस तरह जिस तरह उसे रखना चाहिए, और बच्चे के साथ अटैचमेंट में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसको इसी लिए बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एक और लाइफ भी एट रिस्क चली जाती है। जब वो बच्चे का ख्याल नहीं करेगी, बच्चे को प्रॉपरली देखेगी नहीं, या बच्चे के साथ उसकी ये टाइम होता है बच्चे की माँ के साथ अटैचमेंट होने का, अगर वो प्रॉपर अटैचमेंट डेवलप नहीं होती तो बच्चे के साथ आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे साइकियाट्रिक इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमने बात की थी डिप्रेशन पे, एंग्जाइटी पे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे, OCD पे, तो ये सब ज़हनी बीमारियां हैं, और ज़हनी बीमारियां भी उतना ही ट्रीटमेंट मांगती हैं जितना जिस्मानी बीमारियां मांगती हैं। जिस तरह अगर खुदा ना खासा किसी को डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ में मेनली इंसुलिन कम होता है, तो अगर उसे कह दिया जाए कि तुम इबादत करो, तुम नमाज़ें पढ़ा करो, कुरान पाक ज़्यादा पढ़ा करो, तुम्हारा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ले आओ, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, तो डायबिटीज़ विद टाइम बढ़ती है, ना कि ठीक होती है। अगर उसे दवाई की ज़रूरत होती है, उसे प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह ये जो ज़हनी बीमारियाँ हैं जिनका हमने बात की, इन सब में दिमाग में कुछ केमिकल्स हैं जो कि कम होते हैं। अब वो केमिकल्स बाहर से किसी दवाई के ज़रिए पूरे करने पड़ते हैं, और अगर उन केमिकल्स को ना पूरा किया जाए तो मसले बढ़ते हैं, ना कि कम होते हैं। तो अगर उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसको नसीहतें की जाएँ, और ये कहा जाए कि मायूसी कुफर है और तुम क्यों मायूस हो रहे हो, या फिर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट के डिप्रेशन या एंग्जाइटी कमज़ोरी की अलामत हैं, तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो ये उसकी बीमारी को मज़ीद बढ़ाएगा, और वो अपनी बीमारी छुपाना शुरू कर देगा ये सोचते हुए शायद ये मेरी पर्सनल करैक्टर फ्लॉ है या मेरी कोई वीकनेस है जो कि मुझे ओवरकम करनी है, और वो अंदर ही अंदर उसकी बीमारी मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी। और खुदा ना ख्वास्ता, जैसे कि आजकल हम देखने में आ रहे हैं कि सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर वो किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ख़ुद को नुकसान, सेल्फ हार्म कर सकता है, तो इस तक बात पहुंचने से पहले ही उसको इलाज की तरफ लेके जाना चाहिए। और हमारा एज ए फैमिली मेम्बर या उसके क्लोज़ फ्रेंड होते हुए ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे आस पास कोई ऐसा बंदा है जो जिसके बिहेवियर में, जिसके थाट्स में, फीलिंग्स में, इमोशंस में कोई चेंजेस आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि उसका बिहेवियर पहले जैसा नहीं है, अब ये पहले से कुछ बदला है, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, अजीब अजीब मायूसी की बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, खौफ में मुबला हो जाता है, रेस्टलेस है, एजिटेटेड है, कोई भी चेंज जो अगर आप महसूस करें जो पहले उसके बिहेवियर का हिस्सा नहीं थी, तो आपको कंसर्न्ड होना चाहिए उसके बारे में, और उसको किसी प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिज़िकल हेल्थ है, और इसको भी उसी, अगर किसी की मेंटल हेल्थ इम्पेयर्ड होती है तो उसको भी इलाज से ठीक किया जा सकता है, तो इसको इलाज की तरफ लेके आना चाहिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है आपके आसपास या आप ख़ुद में कोई ऐसी चेंजेस महसूस करते हैं अपनी पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में, अपनी थॉट्स में, जो पहले आपकी पर्सनालिटी का या आपके बिहेवियर का हिस्सा नहीं थी, तो आपको चाहिए कि कंसल्ट कीजिए, और आप marham.pk के प्लेटफॉर्म से मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।